Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन से। तो चलिए आज मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ देगी कोरमा, मटन देगी कोरमा इनफैक्ट, और एकदम शादियों वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी क्विकली विदाउट टाइम वेस्ट किए। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए तेल को फास्ट आंच पर गरम कर दीजिए। गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को स्लाइस करके रखा है, आधी डाल दीजिए और इसे फ्राई कर लीजिए। लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो डाल कर साइड पर टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। इसी तरीके से सेकंड बैच भी फ्राई कर लीजिए। पूरी डिटेल रेसिपी आपको चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ। ये बिरिस्ता कैसे बनाते हैं, जब ये पूरी तरीके से फ्राई हो जाए दोनों, तो इसे है ना थोड़ी देर ठंडा होने साइड पर रख दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो मिक्सर जार के अंदर डालकर इसे दरदरा सा पीस लीजिए बिना पानी डालकर ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। अब ये है 6 हरी इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा था जायफल का और आधा ही जावित्री लिया है मैंने। ये सारों को मैं उखल में डालकर बहुत ही अच्छा बारीक कूट लेती हूँ पाउडर हुए तक। अच्छा, आपको कूटना नहीं है तो आप पीस भी सकते हो मिक्सर जार के अंदर बिना पानी डालकर। चलिए इसे भी साइड पर रख दीजिए। मैं पतीली में नहीं और कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो पतीली में बना सकते हैं। कुकर के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच असली घी का डाला और थोड़ा सा जिसमें फ्राई किया था ना प्याज को वही वाला तेल डाला। आप चाहे तो पूरी तरीके से तेल ले सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और अब हम गरम मसाला डाल देते हैं। ये 1 डंडी दालचीनी की है, 1 बड़ी इलायची, 6-7 हरी इलायची छोटी वाली, 6-7 काली मिरी, 1 बादियान, 6-7 लौंग और 1/2 छोटे चम्मच यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है साबुत, और ये है 2 तेज पत्ते। ये सारे डाल दीजिए गरम मसाले इसके अंदर और थोड़ा सा चला लीजिए और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो ये है चर्बी निकाला हुआ, 2-3 पानी से धोया हुआ और नितारा हुआ गोश्त है। ये तकरीबन 1/2 किलो है, थोड़ा सा हड्डी वाला है, थोड़ा बोनलेस है, दोनों मिक्स डालती हूँ मैं हमेशा। इसे डाल कर चला लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच ही रखिएगा और इसे तब तक पकाएं जब तक जो गोश्त का कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। 2-4 मिनट में तो चेंज हो जाएगा, मैंने चूल्हा मीडियम कर दिया है। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसे भी चला लीजिए। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और इसे 1-2-3 मिनट तक फ्राई करें। तब तक पकाएं जब तक ये जो कच्चेपन की खुशबू है ना अदरक लहसुन की वो ना चली जाए। जब कच्चेपन की खुशबू चली जाए तो चूल्हा स्लो कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 1 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये 1 छोटे चम्मच तीखी यानी स्पाइसी वाली लाल मिर्च पाउडर थी। मिक्स कर लीजिए सबको बहुत अच्छे से, चूल्हा स्लो पर ही है और मसाला भून लीजिए 3-4 मिनट तक। ये देखिए मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और डाल रही हूँ 1/2 छोटे चम्मच, उसे भी डालकर मिक्स कर लेती हूँ और इसे तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए तेल छूट गया, ये जो मसाला हमने कूट कर रखा था ये भी सारा डाल दीजिए इस समय जब भून जाए वो वाला मसाला तो, और इसे मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम कर दिया मैंने। हरी इलायची के बिज्जे मैंने सोचा था निकाल लूंगी बट मैंने वापस डाल दिया। हाँ अच्छा, यहाँ पर मैं ये डाल देती हूँ जो हमने पीस के सबसे स्टार्ट में रखा था बिरिस्ता, ये सारा डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम कर दीजिए और इसे थोड़ा सा 1/4 जितना पानी डाला और इसे चलाकर इसमें उबाल आ जाने दीजिए। अच्छा, मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने मिक्सर जार के अंदर 3-4 टेबलस्पून जितना और पानी डाला, चलाकर इसमें डाल दिया। बार बार चलाते रहिए मसाले के साथ मटन को। चूल्हा मीडियम पर है और इसे भून लीजिए। भूनने के लिए तकरीबन 3-4 मिनट तो लगेगी। जब तेल ऊपर आ जाए तब डाल दीजिए 3/4 कप से, मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ली है दही, ये खट्टी बिल्कुल भी नहीं है और रूम टेम्परेचर पे है। चूल्हा मीडियम पर रखिए और इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। ये देखिए जब तेल ऊपर आ जाए, 3-4 मिनट में तो तेल ऊपर आ ही जाएगा, और उसके बाद मैं यहाँ 1.5 कप पानी डाल देती हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार, ये ऑप्शनल है। और अब इसे कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और इसे ढक कर सबसे पहले तो फास्ट आंच पर 1 सीटी खिला लीजिए। जब 1 सीटी हो जाती है तो इसे स्लो आंच करके तकरीबन 15 मिनट तक पकने दीजिए। जब 15 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। अगर आप पतीली में पका रहे हैं सारा प्रोसीजर सेम है, 1.5 कप पानी की बजाय 2-3 कप पानी डालकर ढक कर स्लो आंच पर इसे तब तक पकाएं जब तक गोश्त नहीं गल जाता, तकरीबन 1/2-1.5 घंटा लगेगा।
जब तक गोश्त गल रहा है हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 15-16 काजू लिए हैं, थोड़ा सा पानी डालकर इसे बहुत अच्छा इस कदर पीस लिया मैंने। बड़े काजू तो आप तकरीबन 6-8 ही लीजिएगा। चलिए तकरीबन 15 मिनट हो चुकी है, चूल्हा बंद कर दिया था और बहुत अच्छे से प्रेशर निकलने के बाद मैंने अभी इसे खोला है। सबसे पहले मटन चेक कर लीजिए, मटन गल चुका हो तो चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर वो जो साइड पर हमने पेस्ट बनाकर रखा है काजू का वो सारा डाल दीजिए। उसके साथ साथ हल्का सा केवड़ा वाटर या फिर क्या कहते हैं रोज वाटर कहिए या केवड़ा एसेंस कहिए, थोड़ा सा डाल दीजिए, मैं नहीं डाल रही हूँ। चला लीजिए एक बार और एक उबाल आ जाने दीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये है कि आपको ग्रेवी बराबर लग रही है तो चूल्हा स्लो कर ढक कर 3-4 मिनट तक उसे पकने दीजिए स्लो आंच पर। मुझे हल्का सा पानी डालकर मुझे ग्रेवी करनी है तो मैंने क्या किया, 1/4 कप जितना पानी डाला मिक्सर जार के अंदर, उसमें चलाकर मैं इसमें डाल रही हूँ। नमक चेक कर लीजिए, अगर कम लगे तो बेशक डाल दीजिएगा। और अभी इसे एक उबाल खिला लीजिए और इससे जब उबाल आ जाता है तो चूल्हा स्लो आंच कर ढक कर इसे मैं तकरीबन 6-7 मिनट तक पकने दूंगी। मैं 7 मिनट इसके लिए पकने दूंगी क्योंकि क्या है ना, मैंने पानी भी डाला है। अगर आपने पानी नहीं डाला है तो आप 4-5 मिनट में चूल्हा कर दीजिएगा बंद। चलिए 6-7 मिनट हो गए, चूल्हा कर देती हूँ बंद। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ज्यादा तेल ऊपर नहीं आया है, जिसे हम तरी कहते हैं, बट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ज्यादा तेल और घी डाला ही नहीं था हेल्थ के हिसाब से। लेकिन आप चाहें तो आप डाल सकते हैं ज्यादा तेल या घी डालिएगा, क्योंकि देगी कोरमा है तो उसमें तो थोड़ा तेल ऊपर तहरता है तो ज़रा लोगों को अच्छा लगता है, बट मैंने कम ही डाला है। आप चाहें तो ज्यादा डाल सकते हैं। अब एक बढ़िया सा बाउल में निकाल लें हमारे देगी कोरमे को, जो भटियारे स्टाइल एकदम शादियों वाला बन चुका है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैं सर्विंग के टाइम पे भी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल रही हूँ और गर्मा गर्म इसे रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इस रेसिपी में स्पाइस मैंने कम ही डाला है। आप चाहें तो दोनों में से जो भी लाल मिर्ची का पाउडर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बेशक ज़्यादा स्पाइस करने के लिए, बट मैंने 1-1 चम्मच डाला है, आप बढ़ा सकते हैं। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी ज्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा ये वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिए जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।